हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा 20 क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों, आप उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट्स बनाते रहिए उसका, और याद करिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छे साबित होंगे। तो इस सब्जेक्ट की पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यही होगा, तो देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू एंटिटी। तो इसका जो आंसर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आंसर है वो है गोइंग कंसर्न, ड्यूअल एस्पेक्ट, सेपरेट एंटिटी। तीनों आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न ए बिजनेस हैज। तो इसका जो आंसर है वो है अनलिमिटेड लाइफ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन। तो इसका जो आंसर है वो सर्टेन एजम्पशन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका, इन बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज ड्यूअल एस्पेक्ट ड्यू टू इन बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज ड्यूअल एस्पेक्ट टू तो इसका जो आंसर है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। कैपिटल और असेट्स तो जानते होंगे, लायबिलिटी होती है ईमानदारी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एबीसी एनालाइजेस द मीनिंग ऑफ एबीसीआर। तो इसका जो आंसर क्या है, आंसर इसका ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इज तो इसका आंसर है मेटेरियल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन वेड एनालाइजेज द मीनिंग ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है वाइटल एजेंशियल डिजायरेबल। बीईडी की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल एजेंशियल डिजायरेबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एबीसी एनालाइजेज द परसेंटेज ऑफ ए आइटम इज। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है 10% इसका आंसर है। और एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है। और जो ए की परसेंट होती है वो 10% होती है, बी की 20% और सी की 30% होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, यानी बेटर कंट्रोल रहता है इसमें एबीसी में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इन एबीसी एनालाइजेज द परसेंटेज ऑफ बी आइटम्स। बी आइटम की परसेंटेज कितनी है, हमने आपको इसमें बता दिया है, बी आइटम की परसेंटेज है 20%। यानी कि ये क्या है, मॉडरेटली कंट्रोल है। ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, इन एबीसी एनालाइजेज द परसेंटेज ऑफ सी आइटम। सी आइटम का कितना था, 70%, 70% था इसका। तो देख लेते हैं, ये 70% है तो लो कंट्रोल, इस पर लो कंट्रोल रहता है,
और इस पे मॉडरेटरी कंट्रोल रहता है, और 10% वाले पे ए पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, विच एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू बैंकिंग कंपनीज, विच एक्ट टू इज नॉट अप्लाइड टू बैंकिंग कंपनीज, तो इसका आंसर क्या है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ बैंक, तो इसका आंसर क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, इशू ऑफ लोन्स, ओवरड्राफ्ट, तीनों इसके आंसर सही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट इशू ऑफ लोन्स ओवरड्राफ्ट, तीनों आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दोस्तों कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग भी, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज मदर ऑफ ऑल बैंक्स, विच इज मदर ऑफ ऑल बैंक्स, तो इसका जो आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर, ये भी पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन कोडिंग कोडिंग हेल्प्स इन, कोडिंग्स हेल्प्स इन, तो इसका जो आंसर है वो है हैंडलिंग ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, तो ये तीनों आंसर जो हैं इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देख लेते हैं, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास्ड इन, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास्ड इन, तो इसका जो आंसर है वो है 1872, 1872 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ आर टी जी एस का फुल फॉर्म क्या है, आर टी जी एस, ये देख लीजिए दोस्तों गलत लिखा हुआ है, आर टी जी एस की फुल फॉर्म है, तो आर टी जी एस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, देख लीजिए क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का 19 नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ NEFT, NEFT की फुल फॉर्म बताइए, तो इसका आंसर जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका आंसर है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका आंसर है। और अगला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 20 नंबर क्वेश्चन है ये, तो द फुल फॉर्म ऑफ UPI, UPI की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसमें क्या होता है इसका पॉइंट देख लेते हैं, डेवलप्ड बाई NPCI, NPCI, NPCI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, NIC की फुल फॉर्म देख लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं, NICE की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, और उसके बाद में UPI की फुल फॉर्म है, UPI की जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI की फुल फॉर्म है, और दोस्तों इसे एस को सही कर लीजिए, एस है ये RTGS, RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर, थैंक यू सो मच दोस्तों।